विश्व अर्थ डे के उपलक्ष्य में नगर सेवक मनोज गावंडे और मित्र परिवार की ओर से मासूम पक्षियों को पानी मिले, इस उद्देश्य से मिट्टी के बर्तन पानी भरे हुए दक्षिण नागपुर परिसर में जगह जगह दिए जा रहे हैं। कोरोना के चलते पूरे शहर को लॉकडाउन किया गया है, जिस कारण पक्षी को पानी नहीं मिल रहा, इसीलिए जगह जगह ऐसे बर्तन रहे तो उन्हें पानी मिल सकेगा। आज पृथ्वी दिवस है और ये पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज से 50 साल पूर्व अमेरिका में एक ऑयल टैंक, लाखों मिलियन ऑयल टैंक समुद्र में बह गया था, जिसके वजह से वहाँ के 10,000 पक्षी मारे गए थे। और समुद्र की जैसा डॉल्फिन मछलियाँ, व्हेल मछलियाँ कई मारी गई थी, तो उस समय उन्होंने डिसाइड किया था कि ये जिस टाइप से पर्यावरण का सर्वनाश हो रहा है दिनों दिन, और ये व्यक्ति ही कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए वहाँ के फिर उसके नेक्स्ट ईयर में वहाँ के अमेरिका में 2 करोड़ लोग रास्ते पे आए थे कि ये ऐसा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। तो उस समय से आज का दिन एक पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और हम भारत के नाते और नागपुरकर होने के नाते हमने एक निश्चय किया है कि आज के दिन हम हर वर्ष पशु पक्षियों के लिए ये पीने के पानी के लिए हम प्याला रखेंगे, और संस्था के माध्यम से, दया सागर वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम ये फ्री वितरित कर रहे हैं। और विशेषकर हम देख रहे हैं कि आज जो कोरोना वायरस का महामारी फैली हुई है, तो होटल्स, दुकान सब बंद है, तो इस वजह से पशु पक्षियों का पानी के लिए, पीने के पानी के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि एक कोरोना वायरस को लड़ने के लिए एक ये भी एक सहारा है, और हम जब तक के पशु पक्षी और पेड़ को नहीं बचाएंगे तो दिनों दिन हमारा नुकसान होगा। इस पृथ्वी ने ही हमें फूल, पक्षी, वनस्पति, जंगल, नदियाँ दी है, और हम अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं जंगल काट रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। विशेषकर ये जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो पर्यावरण हो रहा है उसके वजह से नुकसान हो रहा है। तो हम सभी मित्रों ने निर्णय लिया है कि इसको संरक्षण के रूप में हम एक छोटी सी कोशिश शुरू करते हैं। ये अभी 20 बर्तन हमने शुरुआत किए आज के दिन, और विशेष करके ये पूरा गर्मियों में शुरू रहेगा, और आने वाले हर वर्ष हम इसी तरीके से मनाते रहेंगे, और विश्व में एक मैसेज देना चाहेंगे कि पृथ्वी सुरक्षा ही मानव सुरक्षा है। सेव लाइफ एंड सेव अर्थ।